उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सोमवार दोपहर मिड डे मील के लिए बनाई गई सब्जी के भगोने में गिरकर एक 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। मामला लालगंज थाना इलाके के रामपुर अत्री गांव के प्राथमिक विद्यालय का है। बच्ची जिद कर अपने भाइयों के साथ स्कूल गई थी। हादसे के वक्त रसोईया एयरफोन लगाकर गाना सुनने में लगी थी। बालिका को भगोने से निकालने की जगह सभी महिला रसोईया स्कूल से भाग निकली। डीएम सुशील कुमार पटेल ने स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। साथ ही हादसे के लिए जिम्मेदार रसोईये के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दिया है। भाई के चीखने पर दौड़े बच्चे और शिक्षक। रामपुर अत्री प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सोमवार दोपहर बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया गया। खाना परोसने की तैयारी हो रही थी, इसी दौरान खाना बनाने वाली रसोईया एयरफोन लगाकर गाना सुनने लगी। तभी स्कूल में पढ़ने वाला 7 साल का गणेश जोर से चीखने लगा के उसकी बहन आंचल सब्जी के भगोने में गिर गई है। शोर सुनकर बच्चे व शिक्षक किचन के पास पहुंचे। शिक्षकों ने किसी तरह आंचल को बाहर निकाला और उसे निजी अस्पताल पहुंचाया। पिता ने स्कूल प्रशासन को मौत के लिए ठहराया जिम्मेदार। करीब 80% झुलसी बच्ची को डॉक्टरों ने मंडली अस्पताल रेफर कर दिया, जहां देर शाम इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पिता भाग्यसत ने बच्ची की मौत के लिए स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। बच्ची को भगोने में गिरी देख स्कूल में तैनात 6 रसोईया मौके से भाग निकली थी। खंड शिक्षा अधिकारी राम मिलन यादव ने कहा कि पड़ताल जारी है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्ची के पिता बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आंचल का अभी स्कूल में नाम नहीं लिखा था, वह अपने भाइयों के साथ स्कूल में बैठना सीख रही थी।